नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं फ्री वॉइस के साथ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। भारत में पिछले 24 घंटों में 128 कोविड मामले सामने आए, दो ने अपनी जान गंवाई। यूरोन हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी जानकारी। जम्मू में आतंकी हमले की साजिश रच राजेश, जिले में हाई अलर्ट जारी। रजौरी हमले के कई पुख्ता सबूत हाथ में, जल्द मिलेगी सफलता। डीजीपी दिलबाग सिंह। रजौरी के गांव में लगी आग, बीडीसी सदस्य ने आतंकी घटना समझकर की हवा में फायरिंग। जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रवक्ता ने भारत जोड़ यात्रा आने से पहले इस्तीफा दिया, बोली कोई और विलाप नहीं था। कब्जा मुक्त अभियान में रसूखदारों को बख्शा नहीं जाएगा, बोले एलजी मनोज सिन्हा। भारत जोड़ यात्रा पर आतंकी हमले का कोई इनपुट नहीं, डीजीपी बोले पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराएगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने सिद्रा एनकाउंटर की मैजिस्ट्रेट जांच के दिए आदेश। जम्मू कश्मीर बोर्ड परीक्षा में आएंगे 15% मेरिट के आधार पर सवाल, पहली बार एक कॉमन एकेडमिक कैलेंडर से होगी परीक्षा। आखिर पर मौसम की जानकारी। जम्मू में ठंड ने तोड़ा 2 साल का रिकॉर्ड, 19 को प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम। वहीं बात करें तापमान की तो श्रीनगर का न्यूनतम तापमान -4.3 और जम्मू का 4.5 दर्ज किया गया। ये थी अब तक की कुछ अहम खबरें। और भी खबरों के लिए बने रहे फ्री वॉइस के साथ।